दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे शरीर में 75% पानी की मात्रा होती है, लेकिन समय के साथ जब हम बड़े होते हैं तो हमारे शरीर में 60% पानी की मात्रा हो जाती है। पानी हमारे शरीर में किडनी, लीवर, पेट, मूत्राशय तथा रीढ़ की हड्डियों में जमा होती है। हमारे दिल और दिमाग में भी लगभग 75% पानी होता है। हमारे फेफड़ों में भी लगभग 83% पानी होता है। सबसे ज़्यादा पानी हमारे शरीर के कोशिकाओं में जमा होती है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे हड्डियों में भी, जो काफ़ी सख्त और सूखी होती है, उसके अंदर भी लगभग 31% पानी होती है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे शरीर को अपना काम सही तरीके से करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। इसलिए एक व्यक्ति खाना खाए बिना महीनों रह ले, लेकिन पानी पिए बिना एक दिन भी रहना मुश्किल है। पानी हमारे शरीर में इतना महत्वपूर्ण होने के कारण हमें इससे जुड़ी नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि पानी पीने का सही तरीका, पानी पीने का सही समय तथा पानी पीने की सही मात्रा से हमारे शरीर पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है। हमें रोजाना कितना पानी पीना चाहिए, किस समय पर पानी पीना चाहिए तथा पानी कैसे पीना चाहिए, इन सभी बातों का हमें पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पानी पीने के तरीके में लापरवाही बरतने से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे जोरों में दर्द, कब्ज, माइग्रेन, त्वचा पर दाग धब्बे, पिंपल, बालों का झड़ना, लगातार पेट और आंतों से जुड़ी समस्याएं, भोजन का ठीक तरीके से ना पचना, हमेशा आलस आना, रात में अच्छी नींद ना आना, किडनी से जुड़ी बीमारियां, शरीर में कमजोरी, ऐसी 40 से ज़्यादा बीमारियां सिर्फ पानी से जुड़ी समस्याओं के कारण होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में पानी पीने की सही आदत को अपना लेता है, वह हर मौसम में स्वस्थ और निरोगी रहता है। लंबी उम्र तक आंख, त्वचा, बाल आदि जवान बनी रहती है। पानी पीने के नियम तो वैसे बड़े आसान हैं, तो आइए जानते हैं पानी पीने की सही समय और तरीके को। पानी कितना पीना चाहिए। वैसे पानी पीने की सही मात्रा इंसान के शरीर, वजन, कार्य करने की क्षमता तथा मौसम पर निर्भर करती है। रोजाना हमारे शरीर से पानी पेशाब, मल, पसीने के रूप में बाहर हो जाता है। इस तरह हम रोजाना 2 से 3 लीटर पानी अपने शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। आमतौर पर पुरुष को 2.5 से 3.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए तथा महिलाओं को 2 से 3 लीटर तक। अगर आप सुबह और शाम वर्कआउट करते हैं, पानी पीने की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। ज़्यादा पानी पीना वैसे तो हमारे शरीर के लिए अच्छा ही होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने से हमारे किडनियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पानी कब पिए और कब नहीं, क्योंकि गलत समय पर पानी पीने से हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी सेहत तथा पानी से होने वाले फायदों के लिए अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी की जगह पानी से करें। चाहे प्यास लगी हो या ना लगी हो, लेकिन सुबह उठकर सबसे पहले पानी पिए। पानी कम से कम 2 ग्लास पिए। खाली पेट पानी पीने से हमारे पेट और आंतों की अच्छी तरह से सफाई होती है, साथ ही रात भर हमारे मुंह में बनी लार हमारे पेट में पहुंचती है। आयुर्वेद में सुबह सुबह बनी मुंह की लार को सोने से भी ज़्यादा कीमती बताया गया है, क्योंकि सुबह सुबह बने मुंह की लार में एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पेट के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद है। 1 ग्लास में करीब 250 ml पानी आता है, यानी पूरे दिन 2.5 से 3.5 लीटर पानी पीने के लिए सुबह उठकर 2 ग्लास तथा नाश्ते के बाद 1 ग्लास, 1 ग्लास खाना खाने के 40 मिनट पहले और 1 ग्लास खाना खाने के 40 मिनट बाद, 2 ग्लास शाम के समय में और 1-1 ग्लास रात के खाना खाने के 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद पिए। इसके अलावा अगर आप जिम जाते हैं या आपके जॉब में बाहर घूमना फिरना रहता है तो 1-1 ग्लास दिन भर में पिए। यह तो हो गई बात हमें कब कब पानी पीना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें कब कब पानी नहीं पीना चाहिए। कभी भी खाना खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद पानी न पिए, क्योंकि ऐसा करने से खाया हुआ भोजन बहुत पतला हो जाता है और खाना ठीक तरह से नहीं पचता। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के पहले निवाले के साथ ही हमारे पेट में खाए हुए भोजन को पचाने के लिए डाइजेस्टिक जूसेस यानी पाचक रस बनना शुरू हो जाता है। पाचक रस अपनी गर्मी से खाने को पचाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह हम भोजन को पकाते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से खाना अधिक पतला हो जाता है और पेट में सड़ने लगता है, जिससे पेट में गैस बनने लगता है, जिससे समय के साथ पेट, सर और जोड़ों के दर्द होने लगते हैं। इसलिए कभी भी खाना खाने के तुरंत पहले
या तुरंत बाद पानी ना पिए, बल्कि खाने से 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद पानी पिए। यदि आप बहुत अधिक सूखा भोजन करते हैं, खाने के बाद 2 से 3 घूंट पानी पिया जा सकता है। लेकिन अगर आपको फिर भी पानी पीने का मन करे तो आप छाछ, नींबू पानी आदि फलों के रस को सेवन में ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।